सर विकास दुबे ने जिस तरीके से हमला किया, जितने अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया है, उसके बाद तो उसको सिर्फ अपराधी कहकर आप छोटा क्यों करते हैं, आतंकवादी क्यों नहीं घोषित कर देते? देखिए बिल्कुल इसका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है ये किसी आतंकवादी से कम नहीं रहा है। तो अगर हम मोडस ऑपरेंडी के तर्ज पर बात करें तो ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है और हम उसकी उसी गंभीरता के साथ उस पर काम कर रहे हैं और उसी गंभीरता से उस पर कार्रवाई भी होगी। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस प्रकरण में दो अपराधियों को मार गिराया गया है। एक अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जी, शेष जो 18 अपराधी आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक, उन सब पर इनाम किया जा चुका है और पुलिस की टीमें लगी हैं, अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, चौबेपुर SHO के ऊपर जिस तरीके से संदेह हो रहा था उस पर अभी तक क्या कुछ कार्यवाही हुई? देखिए उनको निलंबित किया जा चुका है, उनकी प्रथम दृष्टया कई मामलों में लापरवाही पाई गई है। जी, जैसे इतने बड़े अपराधी पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन ना लेना, उसका नाम टॉप 10 की सूची में ना रखना, यहाँ पर एक दिन पूर्व भी कुछ SHO के साथ इस अपराधी का विवाद होना, लेकिन उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को ना देना, उसका थाने के रिकॉर्ड में कोई इंदराज ना करना, जिस समय यहाँ पर गोलियाँ चली और हमारे CO और अन्य पुलिसकर्मी गोलियों में घिरे थे, उस समय कायरतापूर्ण तरीके से भाग जाना, मुकाबला ना करना, इन सब बातों को लेकर के इनको निलंबित किया गया है। जहाँ तक इस अपराधी को पुलिस के मूवमेंट की सूचना किसने दी, इसके बारे में अभी जांच चल रही है। जी, जांच के घेरे में चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है और जो भी इसमें आइडेंटिफाई होगा उसके विरुद्ध हम लोग मर्डर के मामले में मर्डर की धारा लगा करके उसको जेल भेजेंगे। जी, और विभाग से बर्खास्त भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे IG रेंज मोहित अग्रवाल, जिनका सीधा कहना है कि बहुत जल्द विकास दुबे हमारी गिरफ्त में होगा।